documentaries play a very important role in inspiring conservation. Wildlife documentaries are a visual medium of communication. और हम तभी अच्छे से समझते हैं जब हम कुछ चीज़ देखते हैं. So they can really inspire people, they can evoke emotions. मैं एक बहुत ग्रीन जगह से एक्चुअली मेरा बचपन गुजरा है, विच इज पनवेल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई. बचपन से ही मेरा वाइल्ड लाइफ और नेचर के साथ एक बहुत यूनिक सा बॉन्ड जुट चुका था. और उस टाइम पे मैं क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मास एक्सटिंक्शन क्या है, ये सब मैं सीख भी रही थी स्कूल में. सर डेविड एटनबरो इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस. तो उनको जब मैं देखती थी तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक फीमेल डेविड एटनबरो जैसे बनूं, क्यों ना मैं वो काम करूं जो वो कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने अपने कैमरा को उठाया टू टेल स्टोरीज. टाइगर हो या फिर एक चींटी भी हो, मुझे उतना ही खुशी मिलती है दोनों को शूट करने में. ओशन हो, माउंटेन हो, जंगल हो, ग्रासलैंड हो, हमारे मरीन बायोडाइवर्सिटी हो, सब कुछ मैं बहुत इक्वली एंजॉय करती हूँ. एट द एंड ऑफ द डे इफ माय फिल्म कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, दैट इज़ व्हाट गिव्स मी द मैक्सिमम हैप्पीनेस. मेरी फिल्म पंजे द लास्ट वेटलैंड डीडी नेशनल पे दिखाई गई थी. उस फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद पूरे सेव द वेटलैंड्स का एक कैंपेन सा शुरू हो गया था टू सेव पंजे वेटलैंड्स वाटर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन एक्सट्रीम वेदर. सैडली वी डू नॉट रियलाइज दैट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी कैन एवर रिप्लेस देम इन द फॉरसीएबल फ्यूचर. हम सालों साल फॉलो करते हैं एक ही एनिमल को कि उसका पूरा लाइफ जर्नी मिल सके. तो कभी कभी हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होता है एट द एंड ऑफ द डे. जब हम कोई चीज़ दिखाते हैं तो पब्लिक के ऊपर भी ये असर पड़ता है कि चलो ऐसा हो रहा है तो हम एज अ पब्लिक क्या कर सकते हैं. वो चीज़ एक्चुअली वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज ही इंस्पायर कर सकती है. ऐसा नहीं है कि आपको एक कंजर्वेशनिस्ट या एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर ही होना चाहिए टू सेव आवर प्लैनेट. आप अपने प्रोफेशन में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू हेल्प सेव आवर प्लैनेट, टू रेज अवेयरनेस एंड टू स्प्रेड एजुकेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड टू हार्नेस पब्लिक सपोर्ट. इक्विपमेंट शायद आपके पास बहुत बेसिक भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. स्टोरी इज द किंग. स्टोरी वैसी ढूंढिए जो मन को छुए और एट द सेम टाइम लोगों को प्रेरित करे. एंड आई एम प्रिटी श्योर आप एक बहुत कामयाब वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर बनेंगे. इफ वी लीव आवर फॉरेस्ट अलोन, इफ वी लीव आवर वाइल्ड लाइफ अलोन, they will thrive and so will we.